नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रोमित्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम अपने कार्यक्रम एस्ट्रोमित्रम में फिर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं 16 दिसंबर 2018 के पंचांग की स्थिति। 16 दिसंबर 2018 के जब पंचांग की स्थिति देखते हैं तो आज जो तिथि है वो नवमी है, आज जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद है, आज जो करण है वो बालव है, आज जो पक्ष है वो शुक्ल है, जो योग है वो यतिपात है, वार जो है आज रविवार है, आज सूर्य उदय 6:54 पे है, सूर्य अस्त जो है 17:37 पर होगा। आज जो चंद्रमा है वो मीन राशि में भ्रमण करेंगे और जो ऋतु रहेगी वो हेमंत ऋतु रहेगी। दिन काल 10:42 का रहेगा और विक्रम संवत 2075 है और राहु काल 16:52 से लेकर के 17:37 तक दिशा शूल आपका रहेगा पश्चिम। मित्रों, आइए हम बात करते हैं 12 राशि वालों की। जब हम बात करते हैं तो आज चंद्रमा मीन राशि में और शनि के नक्षत्र में चल रहा है। मित्रों, मीन राशि भावनात्मक राशि और शनि के नक्षत्र में होने के कारण आज आप मेष राशि वालों के सारे काम जो है वो काफ़ी डिले जा रहे हैं, काफ़ी अस्त व्यस्त जा रहे हैं, काफ़ी लेट लतीफ हो रहे हैं। यानी क्या है कि आपकी भावनात्मक लोग आपको परेशान करेंगे, जिसकी वजह से आपके काम में रोड़े आएंगे, दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन चिंता नहीं करें क्योंकि एनर्जी भावनात्मक रूप से निकली है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह जुनून और पागलपन में काम करता है, आप अपने जुनून और पागलपन से अपने सारे काम निपटा लेंगे। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। क्या करना चाहिए आज आपको? आज आपको घर से निकलते वक्त थोड़ा सा जीरा खा करके निकलेंगे तो निश्चित रूप से आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। जब हम बात करेंगे तो आज जो है उसमें शनि की पोजीशन देखेंगे तो शनि 11वें घर का मालिक होकर के 8वें घर में बैठा है। 11वें घर से मतलब 11वें हाउस में मीन राशि में बैठ करके शनि धनु राशि में विराजमान है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो है वो उलझी हुई चीज़ें सुलझने की बात करता है। यानी जो उलझन फुलझन लगातार आपके काम में आ रही है, कुछ उलझनों से आज कुछ एकाध चीज़ सुलझने की संभावना है। सुलझन आपके अपने लोगों के माध्यम से होंगी तो आज किसी समस्या के समाधान की समस्या निकल रही है, इसलिए प्रसन्न होइए। जो आपकी समस्या उलझी हुई है, जो कांटा लगा हुआ है, उसकी समस्या का समाधान आज का होने वाला है। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। क्या करना चाहिए आपको? भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग का आपको नाम लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए मंगलमय। आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जब हम बात करते हैं तो आज उनके 10th हाउस में शनि जो है वो मीन राशि का बैठा है। आज तो मीन राशि में जो है आज शनि के नक्षत्र में है तो चंद्रमा 10th हाउस में बैठ करके शनि के नक्षत्र में बैठ करके आज कोई पुराना काम करना चाहते हैं। पुराना यानी सेकंड हैंड गाड़ी या सेकंड हैंड काम या सेकंड हैंड चीज़ों का, या जो पुरातत्व से संबंधित काम है उस काम को लेकर के आपके दिमाग में विचार आया है लेकिन क्लियरिटी नहीं कर पा रही। थोड़ा सा लोगों के सलाह लेंगे या अपने पिता से सलाह लें। यदि आप पुरातत्व का काम करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों का काम करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। मेहनत करने में मित्रों कोई बुराई नहीं है। आज अपनी जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाएं। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। क्या करना चाहिए? हिजड़ों को डेली पाँव पड़े, थोड़ा सा 10-20 रुपये देकर के उनका आशीर्वाद लें। आज के लिए आपके लिए शुभ रहेगा। आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। जब हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, शनि बार बार आ रहा है, जो चंद्रमा है वो मीन राशि में चल करके शनि के नक्षत्र में आ रहा है, तो जो मीन राशि है मित्रों भाग्य की है, धर्म की है, यानी आप किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। अब ये धार्मिक यात्रा गोवर्धन हो सकती है, धार्मिक यात्रा पत्थर, क्योंकि शनि पत्थर है तो पत्थर वाले भगवान जो है गोवर्धन है, तो हो सकता है आपकी गोवर्धन की यात्रा हो या गोवर्धन भगवान के नाम से आप अपने अगरबत्ती लगाएं या ऐसे जो पहाड़ वाले भगवान को पूजेंगे या फिर पहाड़ पे जो भगवान रहते हो उनको पूजा जाएगा, तो ये पूजना आपके लिए लंबी यात्रा धर्म की दिखा रहा है। आप निश्चित रूप से धार्मिक यात्रा करके आएँ। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। जब हम बात करेंगे तो आज मीन राशि में उनका चंद्रमा अष्टम घर में बैठा है। अष्टम घर में चंद्रमा बैठ करके
जल से संबंधित काम करना चाहते हैं, जल से संबंधित कुछ न कुछ कर्म क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो मित्रों जल से संबंधित यदि आप करना काम चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। आप निश्चित रूप से पानी का काम कर सकते हैं, पानी का टैंकर बना सकते हैं, पानी को बेच सकते हैं, पानी का ट्यूबवेल लगा सकते हैं। इस संबंधित आज आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है, ये काम आपका होने वाला जा रहा है। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गरीबों के लिए प्याऊ लगा दीजिए, थोड़ा सा गाय कुत्ते के लिए घर के बाहर या ऑफिस के बाहर थोड़ा सा प्याऊ बनवा दें और ये छोटे से जिसमें पानी भर दें, जिसमें कुत्ते बिल्ली और सब लोग पक्षी गाय पानी पीते रहें। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की जब हम बात करते हैं तो आज जो उनका चंद्रमा की पोजीशन है सप्तम घर में, यानी आज आप किसी पार्टनर को लेकर के चिंतित हैं, यानी पार्टनर के काम को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे पूरी तरह ईमानदारी के साथ व्यवहार नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप हैरान परेशान हैं। मित्रों जीवन में सब लिया दिया कर्मों का खेल है, आज आपको ईमानदार पार्टनर पे न मिलने के कारण काफ़ी दुख हो रहा है। थोड़ा सा बैठ करके अपनी समस्याओं की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए मंगलमय जाएगा। क्या करना चाहिए आज आपको, आज आपको सबसे पहले अपने हनुमान जी के मंदिर जा करके भगवान से प्रार्थना करें कि अपने पार्टनर को सद्बुद्धि दें। ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य जो पार्टनर से परेशानी हो वो दिक्कतों में कमी आ जाएगी। आइए हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज आपको कोई बड़ा लोन मिलने वाला है अपनों के द्वारा, यानी आपको बैंक फाइनेंस नहीं करेंगे, आपके अपने लोग जिससे आप पैसा मांग रहे हैं वो आपको फाइनेंस करने वाले हैं ब्याज पे, जिससे आपका कुछ काम चलने वाला है। तो आज आपको ब्याज के रूप में, आपको ऋण के रूप में ब्याज से आपको पैसे मिलने की संभावना मुझे दिखाई देती है, तो जो आपके बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाएंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करिएगा, सदुपयोग करिएगा, धन को सुनिश्चित तरीके से अच्छे काम में लगाइए। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। क्या करना चाहिए आज आपको, आज आपको भगवान शिव के 108 नामों का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे तो आज आप कुछ न कुछ शेयर बाजार में अपना पैसा निकालने के मूड में है, तो आप ये है कि शेयर के भाव घटेंगे या बढ़ेंगे तो इस तरह के डिस्कशन आपके दिमाग में आ रहे हैं। अभी आपका शेयर से पैसे निकालने का उपयुक्त तो समय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करें, फरवरी के बाद ही आपका शेयर बढ़ने वाला है, फरवरी के बाद आपके शेयर में उछाल आने वाली है, इसलिए ये 2-3 महीने शांति बना के रखें। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। क्या करना चाहिए आज आपको, आज आपको मंदिर के सामने जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको भोजन कराएं, उनको दान पुण्य करें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आइए हम बात करते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज चंद्रमा जो है उनकी मीन राशि में बैठ करके, शनि में बैठ करके आज पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में तकलीफ हो रही, थोड़ा सा पैर को सूजन आ रही है ऐसा मान सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाइए, उनकी दवा दारू कराइए, साथ में हल्दी का थोड़ा सा सेवन करें। मित्रों हल्दी जो गुरु को रिप्रेजेंट करती है, गुरु जो स्वेलिंग्स देता है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करें, अपनी दिनचर्या चेंज करें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए मंगलमय जाएगा। क्या करना चाहिए आज, भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन मंगलमय जाएगा। आइए हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो मकर राशि वालों की जो स्थिति देखते हैं, उनका जोश उत्साह काफ़ी तेज गति से काम को लेकर के चिंता बनी हुई है, लेकिन जोश के साथ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मित्रों जब हम समय हमारे अनुकूल होता है तो सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हुई चली जाती है, सारे ग्रह हमारे अनुकूल होते जाते हैं, इसलिए आज का समय आपके अनुकूल है, इसलिए काम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। आज के दिन आपके लिए शुभ रहे। क्या करना चाहिए आज आपको, आज कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए अत्युत्तम रहेगा, आपको एनर्जी मिलती रहेगी जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज जो है धन को लेकर के परेशानी आ रही, धन को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आ रही, क्योंकि चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में बैठ करके शनि के नक्षत्र में बैठ करके धन को रोके हुए हैं, तो आज धन मिलने की संभावना कम दिखाई देती है। हाँ ये एक चीज़ है कि केतु चमत्कार दिखाता है, तो चूँकि शनि केतु के नक्षत्र में यदि अचानक आपके पास धन मिल गया तो ये आश्चर्य किंतु सत्य होगा, लेकिन
अचानक ही मिलेगा, आपकी अपनी प्लानिंग पे मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज का दिन इंतजार करना बंद कर दो, सोते ही आपका धन मिल जाएगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। क्या करना चाहिए आज आपको? आज आपको अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारिए, पड़ोसी से व्यवहार सुधारिए। मित्रों, पड़ोसी से, कुंडली का चौथा घर हमारा घर होता है और तीसरा और पाँचवा हमारा पड़ोसी होता है, तो पड़ोसी से रिश्ते सुधारेंगे तो निश्चित हमारा तीसरा और पाँचवा घर ठीक होगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय। आइए हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज चंद्रमा लग्न में बैठ करके विभिन्न तरह की विचारधारा, विभिन्न तरह की सोच दे रहा, विभिन्न तरह की एक्टिविटी दे रहा, लेकिन आप किसी एक्टिविटी में सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आज की स्पीडली दौड़ना चाहते हो। शनि इसमें लगातार उस आपके काम में अवरुद्धता पैदा कर रहा है, जिसके कारण आपकी मन के वे काम आपके अनुरूप नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा अपने आपका मन शांत रखें, थोड़ा सा अपने आपका शोध करें, थोड़ा सा अपना चिंतन मनन ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आज के दिन आपके लिए मंगलमय हो। क्या करना चाहिए आज आपको? एक पीपल के वृक्ष पर जाएं, उस पर दीपक लगाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। आज के दिन आपके लिए मंगलमय हो। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, जिससे आप अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।